लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में बात किया था, और अब मैं आपको आज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आपका डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉस्फेट, JEFT और जो भी इनके एप्लीकेशंस हैं, इनके यूजेस हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कई बार मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कंफ्यूजन होती है कि टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट। तो कैसे हम एनालिसिस करें कि एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है और पैसिव कंपोनेंट कौन सा है। बेसिकली कहने के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन कई बार इसमें कंफ्यूजन होती है। तो हम एक बार समझ लेते हैं कि कंपोनेंट जो दो टाइप के होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट, वो कौन कौन से हैं। There are two types of components that are given. The first is active component and the other is passive component. We will discuss about the two types of component. Active component are those which not follow Ohm's law and Kirchhoff's law. Passive component are those which it follows Ohm's law and Kirchhoff's law, like RLC. हमारे पास जो active component है वो हमारे ओम और किरचॉफ्स लॉ को फॉलो नहीं करता, और जो हमारे पास पैसिव कंपोनेंट है वो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करता है। इसमें RLC, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि रजिस्टर या इंडक्टर या कैपेसिटर किस टाइप के कंपोनेंट है। इट इज एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट। तो अब आपको ये याद रहना कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वे ये तीनों होते हैं, RLC, और जो नहीं फॉलो करते। मोस्टली हम जो सेमीकंडक्टर के टाइप्स की स्टडी करते हैं उसमें हमारा डायोड, ट्रांजिस्टर, JEFT, MOSFET, SCR, मतलब जितने भी टाइप के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वे सारे जो है एक्टिव कंपोनेंट हैं। लेकिन RLC, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, दो जरा पैसिव कंपोनेंट। सेमीकंडक्टर डिवाइस का हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें पहले मैं बात करूंगा डायोड के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स बेसिक, जैसे कि डिफ्यूजन, डोपिंग और क्या कहते हैं, जितने भी मतलब पोटेंशियल बैरियर या फिर उनका कैसे उसको ऑन कराना है, कैसे बंद कराना है, तो उसके लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना इम्पोर्टेंट है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जब बनाया जाता है तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें इम्प्योरिटीज या डिफरेंट टाइप के ग्रुप से मटेरियल लेके, कंपोनेंट लेके से बनाया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूँ, सिलिकॉन और जर्मेनियम को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि जब भी हम इनको ऐड करते हैं तो उसमें मोस्टली एक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और एक के पास वैलेंट है, मतलब कि उसके पास एक होल है। लाइक मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जैसे ये दो कंपोनेंट है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि उसको स्टेबिलिटी ऑर्डर पूरा कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाना होगा। ये वाला जो कंपोनेंट है ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ये वाला जो कंपोनेंट है ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। इसका मतलब कि जब मैं दो कंपोनेंट को मिक्सिंग कर रहा हूं तो जब तक ये वाली परमिशन और ये वाली जो कंडीशन है ये कंप्लीट नहीं होगी, तब तक शेयरिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। ये आपने सिंपल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्लास 11-12 पे। तो टेक्निकल वाले बच्चे ज्यादा ध्यान ना दें इसमें, बस थोड़ा सा समझना है कि जब तक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होंगे या जब तक होल नहीं क्रिएट होगा तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपोनेंट वर्क नहीं कर पाएंगे। बेसिकली हमें मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि जो हमारे पास पी टाइप कंपोनेंट है उसमें एक्स्ट्रा होल क्रिएटेड होते हैं
और जो n टाइप हमारा कंपोनेंट है उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इन दोनों को हम बनाएंगे ट्राइवेलेंट प्लस पेंटावेलेंट को मिला के, तो इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से सहसंयोजी बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड जिसे बोलते हैं, तो वो इनका कंप्लीट होगा और इस प्रोसेस से इसमें इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करने लगेंगे। तो इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं डिवाइसेस। पहले हम बात करेंगे डायोड के बारे में। डायोड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन डायोड की जो डेफिनेशन है वो नॉर्मली सबको पता है, लेकिन मेन डायोड के बारे में जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक डायोड की वर्किंग और फंक्शन अच्छे से पता नहीं चल पाएगी। तो उससे पहले हम कुछ टर्म्स और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि हाउ इट वर्क्स। तो पहले समझ लेते हैं हम। हमने पहले बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को पहले हम समझते हैं। लाइक हमारे पास जो एनर्जी गैप होता है जिसमें दो बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड, ये दो चीजें होती है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में गैप है। सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, एनर्जी गैप उसमें होता है। तो जब यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, यहाँ पर फोर्स का मतलब ईएमएफ या फिर वोल्ट से है। ठीक है, तो जब इसको मैं एनर्जी प्रोवाइड कराऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी वन बाय वन इसको पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कोवेलेंट बॉन्ड तक आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है ये ड्रिफ्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है जिसके कारण इसमें प्रोसेस हो पाता है। एक बार और समझते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इस सेमीकंडक्टर डिवाइस को जब मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा, यहाँ पर हम वोल्टेज लिख लेते हैं, ये वोल्टेज का एक सोर्स है। जब मैं इस सेमीकंडक्टर डिवाइस को मैं वोल्टेज से कनेक्ट करूंगा, तो बेसिकली होता क्या है उसको समझते हैं। यहां पर जो एक के पास होल्स होते हैं और एक के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब उसमें एनर्जी देने के बाद वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की तरफ भागता है और होल जो है नेगेटिव की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की तरफ भागते हैं और होल्स जो है नेगेटिव की तरफ भागते हैं। तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजिशन को छोड़ देता है तो यहाँ पर होल्स बच जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इस फोर्स को पूरा कर देता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो हमें इसी प्रोसेस को समझना है। इस प्रोसेस को समझने के बाद बायसिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी और कैसे इस डायोड में फंक्शन कराया जाता है, जैसे कि रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस, इनका मीनिंग तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम इस पूरे प्रोसेस को नहीं समझेंगे। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, जब सेमीकंडक्टर डिवाइस को बैटरी से जोड़ा जाता है तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ भागते हैं और जो होल्स है वो नेगेटिव की तरफ भागता है। इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो वहां पर होल्स क्रिएट हो जाते हैं, और जो जब होल्स में इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं। बेसिकली सेमीकंडक्टर का मतलब ही यही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो होल्स की टर्म में है। तो इस चीज को हमें यहाँ पर स्टडी करना है। डिफ्यूजन, हम बेसिकली सेमीकंडक्टर के लिए कुछ टर्म्स को समझते हैं। तो डिफ्यूजन क्या है? जब सेमीकंडक्टर को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, कोई भी डिवाइस होगा, तो एन टाइप और पी टाइप के मिश्रण से बना होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो यहाँ पर एक साइड में होल्स है और एक साइड में इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, हम ये भी समझेंगे कि जब इसको डिफरेंट पोलैरिटी से जोड़ा जाएगा तब क्या होगा, लेकिन अभी हम डिफ्यूजन को समझते हैं। जब इसको बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड कराई जाएगी तो ये होल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है होल्स की तरफ आएगा। इसके कारण आपस में ये यहाँ पर मिलकर डिफ्यूज होते चले जाएंगे, मतलब आपस में अपने
डिसअपीयर होते चले जाएंगे। तो ये जो हमारा प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। जब इलेक्ट्रॉन और होल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराई जाएगी तो वापस में मिलके डिसअपीयर होते चले जाएंगे, और इस डिसअपीयर होने की वजह से एक बाउंड्री क्रिएट होती है जिसे हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, तो पोटेंशियल बैरियर तब क्रिएट होता है जब इलेक्ट्रॉन और होल्स का आपस में डिफ्यूजन होता है, तो उसमें जो डिसअपीयर होते हैं उससे एक बाउंड्री बनते चली जाती है और वो धीरे धीरे एक बैरियर का रूप ले लेते हैं। बैरियर मतलब बाधक बनना, रोकना या रोधक कहते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है पोटेंशियल बैरियर क्रिएटेड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। पोटेंशियल बैरियर डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। अब हम समझते हैं कि डिप्लेशन लेयर क्या होता है, डिप्लेशन लेयर को समझ लेते हैं एक बार। सेम यही डिफ्यूजन और पोटेंशियल बैरियर की वजह से होता क्या है कि जब इसको मैंने एनर्जी पास कराई, एक में होल्स है एक में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये यहां से जंप करेगा, ये इधर आना चाहेगा, तो वही पहले डिफ्यूजन होगा फिर पोटेंशियल बैरियर बनेगा। उस पोटेंशियल बैरियर की वजह से जितना भी उसमें पोटेंशियल लग रहा होगा, जो उससे बैरियर बन रहा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर और होल के अलग अलग पेयर बढ़ जाएंगे और वो अपनी पोलैरिटी से काम करने लगेंगे। तो वो जितनी दूर में बैरियर बनाएंगे या जितनी देर दूर में डिस्टेंस में वो पोटेंशियल वर्क करेगा, तो वो जो एक लेयर जनरेट होगी उसे हम बोलेंगे डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर कैसे समझ लेते हैं, पहले डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर पोटेंशियल बैरियर बना, फिर जितनी डिस्टेंस तक वहां पे पोटेंशियल बैरियर अप्लाई हुआ, वहां पे जो एक लेयर क्रिएट हुआ उसे हमने कहा डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर क्रिएट क्यों होता है, डिप्लेशन लेयर क्रिएटेड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर। वहां पे जो पेयरिंग थी उसका जो डिफ्यूजन हुआ उस कारण से यहां पे डिप्लेशन लेयर बना। हां एक बात और, हमारा जो ये पी टाइप होता है ये हाईली डोप बनाया जाता है हमेशा, और जो ये एन टाइप मटेरियल होता है इसको लाइटली डोप बनाया जाता है। ऐसा इसलिए अगर दोनों को सेम डोपिंग में रखेंगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन और होल्स का डिफ्यूजन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे डोपिंग किसे कहते हैं उस चीज को हम समझ लेते हैं। बेसिकली डोपिंग जो है, हमारा जो सेमीकंडक्टर है, जब हम एन टाइप और पी टाइप मटेरियल का यूज करते हैं तो उसमें जो इंप्योरिटीज हम ऐड करते हैं वो हमारा डोपिंग प्रोसेस कहलाता है सेमीकंडक्टर के अंदर। अब बेसिकली क्या होता है कि जब, अगर मैं आपको पहले डायोड की डेफिनेशन बता देता और इंस्टेंटली उसके रेक्टिफिकेशन की बात करता कि कैसे उसे सर्किट में जोड़ के कनेक्ट करके कैसे उसे वर्क में लिया जाता है, तो आपको उसका जो बायसिंग प्रोसेस है, जो भी मैं आगे बताऊंगा, रिवर्स फेस और फॉरवर्ड फेस, वो आपको क्लियर नहीं हो पाता, तो उसके लिए ये टर्म समझना एक कंपल्सरी था। अब हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेट सम ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। कई बार एक क्वेश्चन डीएमआरसी में भी पूछा गया है और अदर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो हम इस चीज का पता कर लेते हैं। एन टाइप मटेरियल जो है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव, और पी टाइप मटेरियल जो है उसे हम पॉजिटिव टाइप मटेरियल भी कह सकते हैं, क्योंकि जब पोटेंशियल बैरियर होगा और इलेक्ट्रॉन और होल सेपरेट हो जाएंगे तो उनके पास अपने खुद के चार्जेस होंगे, ठीक है। तो नेट चार्ज ऑफ पी टाइप और एन टाइप विल ऑलवेज बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, विल ऑलवेज बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, डायोड के बारे में बात करते हैं हम। तो डायोड पहले समझते हैं होता क्या है, उसकी टाइप्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है।
सेमीकंडक्टर डिवाइस में ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब कि इसको अगर पॉजिटिव करंट मिलेगा तो ये पॉजिटिव करंट को ट्रांसफर करेगा, अगर इसको नेगेटिव करंट मिलेगा तो ये नेगेटिव करंट को ट्रांसफर करेगा। हम सब डीपली इसके बारे में बात करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका यूज रेक्टिफिकेशन पर्पस के लिए किया जाता है। रेक्टिफिकेशन पर्पस का मतलब जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसे रेक्टिफिकेशन पर्पस कहते हैं। हमें एसी को डीसी में बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि पहली बार हमारे पास जो मोस्टली सप्लाई प्रोवाइड किया हुआ है वो है हमारा एसी करंट। डोमेस्टिक सर्किट में हमारे पास अवेलेबल होता है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी। अगर मुझे कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट छोटे वोल्ट पर या डीसी पर्पस से चलाना है या यूज में लेना है तो उसे मैं पहले रेक्टिफाई करूंगा और एसी से डीसी में कन्वर्ट करूंगा। ये आपको भी पता होगा कि अगर उस कंपोनेंट को मैं डायरेक्ट एसी से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा ये आपको भी पता होगा, ठीक है। लाइक एग्जांपल, हमारे पास एक बैटरी है, चार्जेबल बैटरी, ये है 12 वोल्ट की 12 वोल्ट। तो हमारे पास बैटरी जो है वो आउटपुट होती है डीसी में, सबको पता है। तो क्या इस 12 वोल्ट डीसी के सप्लाई को अगर मैं चार्ज करना चाहूं तो क्या मैं इसे डायरेक्ट 230 वोल्ट एसी में यूज कर सकता हूं? नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कहा वो 12 वोल्ट डीसी को 230 में लगा दें, ऐसा नहीं। हमें इसके लिए पहले एसी का कन्वर्जन करना होगा डीसी में, जिसे हम कहते हैं रेक्टिफाइंग प्रोसेस। ओके, वापस आते हैं डायोड पे। तो ये था डायोड, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, रेक्टिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। हम टाइप्स ऑफ डायोड पढ़ेंगे, उसके बाद उनके एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डायोड की बात करते हैं, सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड की। पीएन जंक्शन डायोड हमारा मोस्टली यूज होता है, तो इस डायोड को मैं ब्रीफली भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम उसके टाइप्स की स्टडी कर लेते हैं और कहां यूज होता है वो समझ लेते हैं। पीएन डायोड का पहली बार सिंबल जो है हमारा ये होता है इस टाइप का। इसमें आपके दो टर्मिनल होते हैं, एक जंक्शन होता है और दो लेयर होते हैं, तो उसको हम समझ लेंगे एनोड और कैथोड, इसके दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। ये यूज होता है रेक्टिफिकेशन प्रोसेस यानी एसी टू डीसी को कन्वर्ट करने के लिए। जेनर डायोड, जेनर डायोड में जो सिंबल होता है उसमें हमेशा जेड बना हुआ रहता है। कभी भी याद रहे कि अगर ये जेड ऐसा बना हुआ है तो वो जेनर डायोड नहीं है। ये ऑलवेज जो है इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, क्यों? क्योंकि इनके कनेक्शन के जो टर्मिनल्स होते हैं और जो इनके पोटेंशियल्स होते हैं वो फिक्स किए जाते हैं कि ये इसी डायरेक्शन में इस डायोड की तरह वर्क करेगा। हम बात करेंगे इसके बारे में। ये कांस्टेंट वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। अभी आप सिर्फ टाइप ऑफ डायोड और उसकी यूनिट्स को नोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा डायोड है वो है टनल डायोड। टनल डायोड का सिंबल होता है ऐसा बना होता है उसके एंड पे, यहाँ पे बना रखा हमने। ये डायोड हमारा अल्ट्रा हाई स्विचिंग में यूज किया जाता है। अल्ट्रा हाई स्विचिंग से मतलब जहां पे हमें हाई फ्रीक्वेंसी को ऑपरेट करना है वहां पे इसका यूज किया जाएगा। इट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ डायोड। वी हैव डिस्कस्ड बिफोर ऑलरेडी, जो तीन टाइप के डायोड हमने डिस्कस किए हैं पहले, उसके बाद ये तीन टाइप के और हैं, वैरेक्टेड डायोड, एलईडी, एलईडी, लाइट डिपेंडेंट डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। तो हमारे पास जो ये वैरेक्टेड डायोड होता है इसका सिंबल देखो, सिंबल देखने से क्या पता चल रहा है, ये डायोड का सिंबल है और यहाँ पे वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल लगा रखा है। बेसिकली जो हमारे पास कैपेसिटर होता है वो आपने पढ़ा होगा एसी फील्ड में। तो इसमें जो डायोड होता है उसको जब हम यूज करते हैं तो उस डायोड को एज ए कैपेसिटर यूज में लिया जाता है। तो उसकी जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होती है वो सेट करते हैं, कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे कि इसे वेरिएबल कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है। तो
इसका वेरिएबल कैपेसिटर की तरह यूज किया जाता है, इसे वैरेक्टर डायोड कहते हैं। इसमें सॉलिड स्टेट कैपेसिटर का यूज होता है और स्टैटिक कैपेसिटर का यूज होता है। तो ये दो क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। हमेशा याद रखना है कि वैरेक्टर डायोड जो है कहां यूज होता है और विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज इन वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। उसके बाद लाइट डिपेंडेंट डायोड LDD, इसे हम LDR भी कहते हैं। इस डायोड को हम LDR भी कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर या लाइट डिपेंडेंट डायोड। एक्चुअली जो पहले इसका सिंबल है वो समझ लेते हैं। लाइट डिपेंडेंट डायोड का जो सिंबल होता है उस डायोड में लाइट की एमिशन शो होती है कि लाइट उसमें आ रही है और फिर वो काम कर रहा है, ठीक है। इसका यूज जो है ऑटोमेशन सिस्टम में होता है। ऑटोमेशन सिस्टम का क्या मतलब कि जब हमें बेसिकली कोई ऑटोमेटिक लाइट्स के सेंसेशन से कोई प्रोग्रामिंग वर्क करानी है तो उसमें इसका यूज होगा। जब एलईडी जो है लाइट ऑटोमेटिक डोर्स है, ऑटोमेटिक डोर्स का क्या मतलब कि जब उस पर लाइट पड़ेंगे तो वो ओपन होगा। इसका मतलब क्या कि जब उस पर लाइट एमिट हुई तो उसने कमांड दिया अपने रेजिस्टेंस को, उस रेजिस्टेंस ने पूरा कंट्रोल सर्किट अपने सिस्टम से वर्क कराया। तो ये होता है लाइट डिपेंडेंट का काम। इसे हम बताएंगे कैसे काम करता है। बहुत सारे रिले सिस्टम में भी यूज होते हैं, बेसिकली जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं टाइमिंग फंक्शन के लिए कि कितनी देर से कितनी देर तक उसे वर्क कराना है, तो वहां भी हमारा LDD का यूज होता है, लाइट डिपेंडेंट डायोड। बेसिकली इसके नाम से ही क्लियर है, लाइट हमने दिया उसने रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया और पूरा सर्किट कंट्रोल में आ गया। उसके बाद होता है LED जो आजकल मोस्टली यूज किए जाते हैं। LED मींस लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट जो एमिट कर रहा है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं इसको, प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला। बेसिकली ये होता डायोड है, इसे यूज करते हैं लाइट के लिए। वो चीज भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि कैसे लाइट को एमिट करता है, लेकिन अभी समझ लेते हैं। तो इस सिंबल पे और इस सिंबल में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो सिंबल है वो लाइट एमिट करने से वर्क कर रहा है, इसका जो सिंबल है वो लाइट को एमिट कर रहा है, मतलब लाइट इसको मिली तभी काम कर रहा है। लेकिन ये वाला जो डायोड है वो खुद लाइट को रिलीज कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो लाइट एमिटिंग डायोड लाइट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वाले क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि डायोड का